पारों के ऊपर गिर गया चूल्हा, हो गई पारों की हालत नाजुक। ऋषि और लक्ष्मी लेकर पहुंचे पारों को हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड होगा बहुत ही इमोशनल, जहां जन्माष्टमी के इस खास मौके पर सभी लोग सज धज कर तैयार हो चुके हैं कान्हा जी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ इसी खूबसूरत से मौके पर होने वाला है एक बहुत बड़ा हादसा, जिससे उड़ने वाले हैं पूरे परिवार के होश। जी हां, अभी अभी तो बेचारी पारो उस गड्ढे से बाहर आई थी, जिसके बाद यहां पर अटैक हुआ और एक और बड़ी मुसीबत अब आ चुकी है बेचारी छोटी सी बच्ची पारो के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाली कहानी में जहां जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही होगी ओपरे हाउस में, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसी सेलिब्रेशन के दौरान जो है पारो के ऊपर झूला गिरने वाला है, और ये झूला बहुत ही बड़ा होता है, जिसके बाद जब ये झूला छोटी सी बच्ची पारो के ऊपर गिरता है तो भाई पारो को काफ़ी चोट लग जाती है। हालांकि यहाँ पर लक्ष्मी अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करती है, तो वही परिवार वाले खड़े ही रहते हैं, जहाँ पर ऋषि आता है और वो भी हेल्प करता है लक्ष्मी की, लेकिन बहुत देर हो जाएगी क्योंकि तब तक यहाँ पर पारो को काफ़ी चोट लग चुकी होगी। ऐसे में यहाँ पर सभी घर वाले अब बहुत ही परेशान होने वाले हैं पारो की ऐसी हालत देख कर, जहाँ पर अब ऋषि और लक्ष्मी देर ना करते हुए अपनी बेटी पारो को हॉस्पिटल लेकर पहुंचने वाले हैं, जहां पर डॉक्टर भी बच्ची की ऐसी हालत देखकर काफी शॉक हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दें कि अब यहां पर पारो का इलाज शुरू होने वाला है, लेकिन अब नीलम उस इंसान को नहीं छोड़ने वाले जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर ये राज खुलने वाला है कि ये हादसा एक सोची समझी साजिश होने वाली किसी की, और ये किसी और की नहीं बल्कि मलिष्का की ही साजिश है, जिसने कि पारो के साथ ये हादसा किया है। अब ऐसे में यहाँ पर लक्ष्मी और नीलम मिलकर सबक सिखाने वाले हैं मलिष्का को, उसे छोड़ने नहीं वाले, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पारो का ठीक होना जरूरी है। जहाँ पारो जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पर ही वीरेंद्र भी होने वाला है। अब ऐसे में यहाँ पर पारो का बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि पारो की जो हालत है वो काफी नाजुक होने वाली है। जहां पर लक्ष्मी, ऋषि, पूरा परिवार मिलकर पारो के ठीक होने की प्रेयर करने वाले, लेकिन क्या पारो बच पाएगी या फिर यहां चली जाएगी पारो की जान? पर हमें कमेंट में शेयर कर दोस्तों, क्या लगता है आपको, पारो से जो ये हादसा हुआ है वो मलिष्का ने करवाया या फिर इसके पीछे कोई और है? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे भगवान, हटो हटो हटो, चल सब लोग, रोड 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 रोड, जा जा पीछे।